बताओ फिर से बताओ अस्थिमृत के बारे में। हाँ हाँ, कैसे आप बता रहे हैं अस्थिमृत जो है टूटे हड्डी पे काम कर रहा, कैसे आपको कैसे पता चला? हमने लगाया, हमारा क्रैक हो गया था। अच्छा, कहाँ पे क्रैक हुआ? ये हाथ में। अच्छा, तब से दर्द भी नहीं है और प्लास्टर भी नहीं बनाना पड़ा। अच्छा। हाँ, और उस पर जांच करावे ले गए तो कहे कि तुम बाहर हड्डी जुड़ी ना। अच्छा अच्छा, कहे कि जयप हो गए हो, ज़्यादा उम्र के हो। हाँ। तो जुड़ी ना। अच्छा। तो हम वैसा ही तो कुन्ना खुश कर क्योंकि हाथ खराब हो गया, लेकिन हम चले आए फिर प्लास्टर बंधावे गए तब डॉक्टर का दिखाया नहीं का लगावत रहे थे, तो डॉक्टर कहीं नहीं तो जुड़ लगते हैं है, उसमें कुछ नहीं है तो हाथ सही जुड़ गया। अच्छा। हाँ, वेरी गुड। तब वहाँ से वो बांध एक वो देखें सर्जरी। अच्छा। कहीं वही बांधे रहा, वही बांध के फिर एक लगाव के हैं। अच्छा। तो गर्म पानी करी, गर्म पट्टी दिए होंगे। हाँ, गर्म पट्टी दें। तो इसको हम गर्म पानी में नमक छोड़ के गर्म पानी करते थे और इसको तेल को लगा के फिर ऐसे 10 मिनट 5 मिनट तक। अच्छा। वही पानी से गर्म से धोते थे। अच्छा। हाँ जी, तब से ठीक हो गया। तब से ठीक हो गया। अच्छा, और इब्लाम आप कह रहे थे अस्थिमृत आपने पैरालाइज पे कैसे इस्तेमाल कराया है, क्या फ़ायदा मिला ज़रा बताओ? पैरालाइज का जो पैरालाइज होते हैं लकवा मार जाता है जिनको बता दें, लकवा वाले को फ़ायदा करता है। हाँ, कैसे कैसे काम किया, क्या क्या लगवाया, कैसे फ़ायदा हुआ उनको? इसको लगाने से जैसे खून जाम होगा वह लकवा, वही को कहते हैं। हाँ, उसी को कहते हैं लकवा। तो ये खून जाम हो जाता है तो इसको लगाओ तो तुरंत एक खून को दौड़ाने लगता है। दौड़ाने लगता है। अच्छा। हाँ जी। तो दौड़े ला खून तो हाथ पांव फिर चले लग। अभी आप कह रहे थे कि कोई एक ताज़ा मरीज है जिसको आपने दिया है अस्थिमृत। हाँ, दिया है, फायदा है उसको। अच्छा, कैसे लगाया उन्होंने, क्या क्या किया, कैसे? यही लगाओ, बता रहा कि 10 ml कम से कम लगाओ। अच्छा, 10 ml एक बार में। एक बार में। बाएं तरफ हुआ था कि दाहिनी तरफ? दाहिनी तरफ हुआ था या बाएं? दाहिनी तरफ है। दाहिनी तरफ हुआ था। अच्छा, तो हाथ पांव दोनों में। अब फिर से चलने लगे वो? नहीं चला था, ऐसे कम लग रहा है। अच्छा, कम ही लग रहा है। तनिक भर ही लगा रहा है। अच्छा, हम देखो नहीं पहुँचे ना, लेकिन बताए ना कि फायदा है। फायदा है। अच्छा अच्छा, जी जी। तो और आप कह रहे थे कि खून सब निकाल देता है, कैसे खून निकल जाए? अगर आप के जख्म हो गया तो ऊपर ना लगाओ। अच्छा, वहाँ लगाओ। जैसे आपका कहीं चोट लग गया, सूजन होगा, ऊपर लगाए लो, कटाना हो। कटे पर ना लगाओ। कटे पर नहीं लगाओ। हाँ जी जी, बहुत अच्छी बात भाई। कटे और, पर लगाए तो पूरे। और कौन सा प्रोडक्ट आप इस्तेमाल किए इस समय, क्या लिया है आपने, आपने थैले में क्या रखा है दिखाऊं? थैले में इसमें है ग्रुप और गोल्ड है और अस्थि अमृत है। दिखाओ जरा, दिखाओ निकाल के ये। अच्छा, अस्थि अमृत लिया है और ये एक ग्रुप और गोल्ड है। एक ग्रो पावर गोल्ड भी लिया है। अच्छा अच्छा, एक ग्रो पावर गोल्ड का खेत में क्या रिजल्ट रहा? बहुत अच्छा रिजल्ट है, दाहिश में हर साल हम इसको छोड़ते हैं। हर साल छोड़ते हैं। कितना पीस लिया है आज? भर्ती भी कम लगाते हैं, कम कम भर्ती में ज़्यादा रिजल्ट। अशफाक जी, आपने क्या लिया है? एक एक ग्रो पावर गोल्ड और क्या है? टूथपेस्ट। जी जी। अच्छा, चलिए बहुत अच्छा। आपने अब तक जो इब्लाम का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया वो कैसा लग रहा है आपको? बहुत बेहतर है। बहुत बेहतर है। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी लोग हमारे इस उत्पादों को, जो इब्लाम के उत्पादों को इस्तेमाल करके जो रिजल्ट पाए हैं, ये अपनों से इसको शेयर करिएगा, तो जिससे कि जन जन तक जो उनके शरीर में जो व्याधियाँ हैं, बीमारियाँ हैं, वो भी जड़ से नष्ट करने के लिए अपने पास हर्बल और आयुर्वेदिक उत्पाद हैं। जो EPA है। हाँ, EPA जी। EPA जी। हाँ, बहुत अच्छा कारगर दवा है। अगर आँख खोले वाली है, हाँ, किसी का जी, वो अगर इसको खाया करे तो आँख खुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। मोतियाबिंद के लिए जी जी, धन्यवाद। लेकिन इसको खाना पड़ेगा। हाँ हाँ, बगैर खाए नहीं होगा। EPA तो हम खा रहे हैं ना। हाँ हाँ, EPA आप खा रहे हैं जी। EPA आपने लिया खा रहे नोनी जूस है जो ओके, तो है चाहे जितना दस्त आओ का पी लो, दस्त फसल 3 दिन तक झाड़े न पड़ेगी जी। वेरी गुड भाई, बहुत अच्छी बात। धन्यवाद।